अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व विभिन्न स्थानों में योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आगामी 21 जून को योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इससे पूर्व लोगों को योग के जरिए कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। नुमाइश खेत के समीप स्वराज भवन में योग शिविर आयोजित किया जा रहा है। योग संगठन के केवलानंद जोशी, डी चंद्र जोशी, गणेश दत्त पांडे, केशवानंद जोशी आदि ने लोगों को योगाभ्यास कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिन भर की भाग दौड़ व तनाव भरी जिंदगी में राहत पाने के लिए प्रतिदिन यदि 1 घंटा योग के लिए दिया जाए तो शरीर को काफी लाभ होगा। उन्होंने प्रतिदिन योग शिविर में प्रतिभाग करने की अपील लोगों से की है। ये सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर ये 28 तारीख से हमारा प्रारंभ हुआ है। ये 20 जून तक यहाँ पर चलेगा। 20 जून और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की यहाँ पर तैयारी होंगी। यहाँ पर रोगानुसार योग होगा। यहाँ पर युवाओं के लिए योग होगा, बच्चों के लिए योग होगा। अभी बच्चों की छुट्टी हो गई है, उनके लिए योग होगा। हमारी माता बहनें यहाँ पर आ रही हैं, उनके लिए भी योग होगा। हमारे वृद्ध वयोवृद्ध यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए योग होगा। समूचे योग का पैकेज और साथ में हमारा प्रोटोकॉल की भी तैयारी होगी। और ये योग प्रशिक्षण शिविर मूलतः अगर देखें, प्रयोजन ये है कि योग अभ्यास करने से हमें स्वास्थ्य मिलेगा, हमें सुंदरता मिलेगी, हमें समृद्धता आएगी, सुख आएगा, शांति आएगी, पूरा घर परिवार समाज स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, निर्वेशनी होगा। और स्वास्थ्य देने के लिए ही ये योग अभ्यास यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। और खाली मात्र 25 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर करके हम चुपचाप घर में ना बैठें, हम नियमित अपने योग अभ्यास अपने घरों में, अपने घर से बाहर निकल के अपने समाज के साथ, अब योग संगठन है, पूरे समूचे योग संगठन के साथ आकर आप योग अभ्यास करें। योग से एक जीवन मिलेगा, योग से आपका शरीर मिलेगा, योग से आपको सुंदरता मिलेगी। यही प्रयोजन को मुख्यतः रखते हुए यहाँ पर ये प्रशिक्षण शिविर चलाया हुआ है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।